सिद्धपुर गांव में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान डिप्टी रेंजर शेख महबूब और उनकी टीम ने ट्रैक्टर को पकड़ लिया था, लेकिन अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया और ट्रैक्टर छुड़ा लिया। घायल डिप्टी रेंजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खरगोन जिले में नगर निकाय चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। मंडलेश्वर, महेश्वर, सनावद और बीकन गांव में शिवराज ने जनसंपर्क और रोड शो किया। सीएम ने जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और कांग्रेस पर निशाना साधा। वर्धा जिले के पडरिया और बोडला क्षेत्र के आदिवासी इलाके में मलेरिया का प्रकोप है। इलाके में पिछले 6 महीने में मलेरिया के 1168 मरीज सामने आए हैं। साफ पानी की कमी को वजह बताया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इलाके में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के दावे कर रहा है, जो गलत साबित हुए हैं। वर्धा जिले के पडरिया और बोडला क्षेत्र के आदिवासी इलाके में मलेरिया का प्रकोप है। इलाके में पिछले 6 महीने में मलेरिया के 1168 मरीज सामने आए हैं। साफ पानी की कमी को वजह बताया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इलाके में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के दावे कर रहा है, जो गलत साबित। पाकिस्तान से आए 9 हिंदुओं के वीजा की मियाद खत्म होने के बाद उन्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया गया। हालांकि पाकिस्तानी नागरिकों की तरफ से राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की गई। जस्टिस विजय बिश्नोई की विशेष अदालत ने छुट्टी के बावजूद पाकिस्तान नागरिकों के पाकिस्तान भेजने पर रोक लगा दी, लेकिन तब तक उन्हें पाकिस्तान रवाना कर दिया गया था। उदयपुर के सिंचाई विभाग में अनोखा फरमान जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक दफ्तर में स्मार्टफोन लाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर किसी के पास भी स्मार्टफोन मिला तो एक दिन की सैलरी काट ली जाएगी। दफ्तर आने वाले लोगों को फोन जमा करना होगा। फोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर ₹500 जुर्माना देना होगा। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी के कारखाने का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से 8 आरोपियों को हिरासत में लिया और 2000 किलो नकली घी जब्त किया। नकली घी बनाने की फैक्ट्री रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में चलाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा इस गोरख धंधे में 2013 से सक्रिय है। भिवाड़ी में एक बुजुर्ग के एटीएम से बदमाशों ने 4,79,000 से ज्यादा रुपए निकाल लिए। एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने में मदद करने के बहाने बदमाशों ने बुजुर्ग का एटीएम कार्ड बदल दिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिवाना के महिलावास गांव के एक स्कूल ललित विद्या मंदिर में एक दिन स्कूल नहीं जाने पर शिक्षक ने छात्रा को डंडे से पीटा, जिसकी वजह से छात्रा बेहोश हो गई। छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जयपुर में चल रहे 2 दिवसीय फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन में बॉलीवुड सितारे अक्षय कुमार ने भी शिरकत की, जहां अक्षय ने अपने अनुभव को लोगों के साथ शेयर किया। उससे पहले अक्षय की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस जयपुर एयरपोर्ट पर जमा हुए। अक्षय ने भी मौजूद लोगों को निराश नहीं किया और फैंस को देखकर काफी खुश दिखे।